हेलो दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे और आप भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज भाई की कमेंट है कि भाई सारे कबूतर अगर नए लाएं तो उनको अपनी छत पर ट्रेनिंग कैसे दें। तो मैं भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा पहले तो, कि जो मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ इस बारे में वो आप देख लें, और अगर मेरे चैनल पर आपको कोई ऐसी वीडियो ना मिले तो मुझसे कमेंट करें। वैसे कमेंट पे आपकी वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज है तो मैं बनाऊंगा बरोबर। ये देखिए, मेरे कुछ कबूतर उड़ने के लिए जा रहे हैं। तो भाई आज भाई आपकी कमेंट पे मेरे को वीडियो बनाना ही है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से, नए कबूतरबाजों से जो कबूतर पालने की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में, छत पे कैसे आप उनको कबूतरों को ट्रेनिंग दे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहला काम आप करते हो कबूतर लाने का, तो कबूतर आप कितने लाते हो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप अगर दो कबूतर लाएंगे या चार कबूतर लाएंगे तो आपके कबूतरों को ट्रेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप 8 से 10 कबूतर ला रहे हो, 8 से 10 कबूतर अगर आप अपनी छत पर ला रहे हो, तो कबूतर क्या करेगा, कबूतरों को देख के अच्छे से खाएगा पिएगा। कबूतर भाई हमेशा झुंड में रहने वाले पक्षी होते हैं, ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। और हम क्या करते हैं कि कबूतरों को 2 या 4 ले आते हैं तो कबूतर अकेले पड़ जाते हैं और दाना पानी कम कर देते हैं, सूखे में चले जाते हैं, कबूतर बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कबूतर लाएं 8 से 10 कबूतर ले आएं और अपनी छत पर उनको पालें। अब छत पर ट्रेन करने के लिए, उनको छत पर पक्का करने के लिए, उनको छत पर हिलाने के लिए आपको 3 तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका, आप उनके पर कैच कर दें या पर खींच दें। दूसरा तरीका, आप उनके पर बांध दें पिन की सहायता से या टेप की सहायता से, ये आपको करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है, जो थोड़ा महंगा है, अब वो तरीका भी जान ले, आप अपनी छत पर नेट लगा दें। थोड़ा महंगा इसलिए है क्योंकि आपको नेट ख़रीदना पड़ेगा। अब वो जाली वाली नेट लगाएंगे अगर आप, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो उससे आपका कबूतर अपनी छत पर उड़ेगा, वहीं का वहीं यहाँ से वहाँ फड़केगा और अपने छत को पहचानेगा। अब इसमें क्या रहेगा भाई, कि ज़्यादा दिन तक आपका कबूतर वो नेट के अंदर रहेगा अभी तो अपने एरिया को नहीं पहचान पाएगा। तो आप कबूतर के पर बांध दें, और उसके बाद में जब आपके कबूतर, जैसे 10 कबूतर लाए हैं, तो पहले 2-4 नर के पर खोलें, मादिन के पर पहले नहीं खोलना आपको, पहले नर के पर खोलना है। अब नर के पर खोलने से ये होगा कि अगर उनका जोड़ा लगा हुआ है, मान लो आप जोड़े में डले हुए कबूतर लाए हो, अब कबूतर उड़ने वाला है या सिर्फ आप ब्रीडिंग के लिए लाए हो या सिर्फ शौक के लिए लाए हो, ये बातें बहुत मायने रखती है। अगर आप उड़ने वाली नस्ल के लाए हो, अच्छे नस्ल के लाए हो, ग्रेबाज कबूतर लाए हो जो कि अच्छी उड़ान देते हैं, ऊँचे उड़ते हैं, हाई फ्लायर लाए हो, तो आपको पहले कबूतर का पर खोलना है ताकि वो अपनी मादिन के साथ ही रहे, वो अपनी मादिन से दूर कभी नहीं जाएगा। अगर आपने पहले मादिन के पर खोल दिए तो भाई इससे होगा क्या कि मादिन पुराना घर जल्दी नहीं भूलती, पुराना दड़बा, पुराना घोंसला अपने अंडे बच्चों की जगह जल्दी नहीं भूलती है। और हो सकता है कि आपने अगर उनके पर खोल दिए पहले तो वो भाग जाएंगी। तो आपको पहले नरके पर खोलना है और उसके बाद उनको दाना पानी साथ में करवाना है, धीरे धीरे वो अपने थोड़े बहुत एरिया को पहचानेंगे, और उसके बाद में वो अपने एरिया को पहचानने के बाद, छत को पहचानने के बाद में अपने घर वापस आने लगेंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आवाज़ पे उनको दाना डालें, अपने हाथ में दाना लेके पहले उनको बुलाएं और फिर दाना डालें और उनको देखें क्या रिएक्शन होता है, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। दाना डाल के उनको आवाज़ लगाएं, जब भी खोलें आवाज़ लगाएं,
और आवाज़ पे आना चाहिए, जब तक आवाज़ लगाएं, जब तक कि वो आ नहीं जाए, और उसके बाद में अंदर डालते समय भी आवाज़ लगा के सीटी मार के उनको इशारा करें, तो वो ऑटोमेटिक अपने दड़बे में, अपने लाफ्ट में, या जो आपने जाल बना रखी है उसमें चले जाए। अगर आप ब्रीडिंग के लिए लाए हैं तो भाई उनको घोंसला प्रोवाइड करें, घोंसला बना के दें, या फिर अपनी छत पर कहीं भी, जैसे कि ये अपनी छत है काफ़ी बड़ी है, कहीं भी नीम की काड़ियाँ और बहुत सारी काड़ियाँ होती है जो पेड़ वेड़ की, जैसे अपने साइड में ये नीम लगा है, एक ये पेड़ लगा है, तो ऐसे पेड़ की काड़ियाँ ला के और सूखी काड़ियाँ डाल दें। अब ये काड़ियाँ डालने से क्या होगा कि आपके कबूतरों को अगर जोड़ा लगा हुआ है तो थोड़े बहुत दिन बाद वो छत पर घुल मिल जाएंगे, फिर वो झूठी मीटिंग करेंगे तो अपना घोंसला फिर खुद ब खुद वो काड़ियाँ उठा उठा के बना लेंगे, या फिर मिट्टी के जो हम बनाते हैं उनके अंडों के लिए सिकोरा टाइप के, वो बना के आप दे दें उनको, तो उससे उनको क्या रहेगा कि पिछली जो जगह थी उसको भूलने में बहुत ही बड़ी आसानी होगी उनके लिए, क्योंकि वो नया घोंसला उनको मिल जाएगा, नई जगह मिल जाएगी। और सबसे बड़ा काम ये आप करें कि बार बार उनकी पेटी, बार बार उनके खाने, जो भी आप जहाँ रख रहे हो उनको बार बार चेंज ना करें, जहाँ है एक जगह डाले आपने उसी जगह पे रोज़ उनको डालना है, ऐसा नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसा नहीं। कबूतरों को अपनी छत पर टेप लगी है या पर खींचे हैं तो अपनी छत पर सब दूर घूमने दें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं दीवार के ऊपर भी हैं, ये इधर छतरी पे भी बैठे हैं, एक जोड़ा छतरी पे हैं, और कहीं भी उनके जहां उनका मन हो वहां कबूतर घूमेगा फिरेगा, तो आप जब तक उनके पर ना खोलें जब तक उनको कहीं भी घूमने फिरने दें, क्योंकि वो उड़ेंगे नहीं। और बाद में जब वो आपको लगे कि अपने कुछ कबूतर जिनके आपने टेप खोले हैं वो वापस आने लग गए अपने घर पे, तो भाई उसके बाद में आप उनको सबको टेप वेप खोल दें, ताकि वो पहले जो कबूतर हैं वो कबूतर उनको वापस घुमा फिरा के कहीं से भी उड़ेंगे तो उनको वापस ले आएंगे। तो इतना आप अगर करते हैं आपके कबूतरों को अपनी छत पर ट्रेनिंग देने के लिए, तो भाई ये बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और नए नए कबूतर रहेंगे तो उनको ज़्यादा पकड़े ना, उनके झुंड में बार बार घुसना नहीं है आपको, दाना डाल देना है, पानी रख देना है, और दाना हमेशा सतरंगी डालना है, ताकि आपका कबूतर आपके घर को छोड़ के आपके दाने को कभी भूले ना, क्योंकि आपका दाना सतरंगी है जिसमें ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चने, मूंग सभी प्रकार का दाना है, तो उसे कहीं से कहीं तक कोई कमी महसूस नहीं होगी। कबूतर को आपको मिट्टी भी बनाकर देनी है, मिट्टी में आपको खेत की मिट्टी, चूल्हे का कोयला, ये देखिए ये रेती में जो शंख और सीप, आपको मैं दिखा दूँ ये वाली शंख और सीप, ये चीज़ें जो होती है ये सब आपको उसमें डालना है, और जो आप हम लोग टाइल लगवाते हैं मकान में वो चूरी होती है, वो चूरी भी डालना है आपको इसमें, तो ये चीज़ें आपको आपकी मिट्टी में डालना है सब मिक्स करके, और उसको एक जगह ट्रे में या कहीं कोने में छत पर रख देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कबूतर कोई भी प्राकृतिक चीज़ से वंचित नहीं रहेगा, उसको हमेशा ही अपने घर में सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, नहाने के लिए पानी भी उसको रखें और रोज़ रख दें, उनकी इच्छा पड़े तो नहाए, नहाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज आपको मैं ये भी दिखा दूँ, देखिए मेरे घर ये पहले पानी पी लेते हैं, बाद में जब फालतू समय रहता है दाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में ये मस्ती मस्ती में इधर उधर नहाते रहते हैं। तो भाई एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, कोई दाना वाना खाता है तो थोड़े बहुत और दाने अपन डाल देते हैं। तो ये देखिए मेरे दाने में आपको सभी चीज़ें मिलेगी, बड़ा दाना, छोटा दाना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और अपने कबूतरों को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, ज़्यादा पकड़े नहीं, और उनको उनके हिसाब से चुगने दें, उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करें, तो जल्दी से जल्दी वो अपनी छत पर हिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।